जय हो नीम करोरी बाबा की। शीर्षक है दो बच्चे और। कैंची निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी महाराज के परम सेवक और भक्त रहे और बाबा की आप पर कृपा भी विशेष रही। सन 1971 में आपकी पत्नी का स्वास्थ्य गिरता चला गया और स्थिति एक दिन गंभीर हो गई। तिवारी जी कहने लगे कि मैं चिंतातुर हो आश्रम में बाबा से अपनी व्यथा व्यक्त करने के अभिप्राय से पहुंचा। महाराज अपनी कुटिया में खिड़की की ओर मुंह किए अकेले बैठे थे। सूर्यास्त हो गया रहा था। मैं खिड़की के बाहर से ही प्रणाम कर भीतर गया और उनकी पीठ के पीछे तख्त के पास ही जमीन पर बैठ गया। कुछ क्षण मौन में व्यतीत हुए, फिर एकाएक बाबा ने गर्दन घुमाई और अपनी दो उंगलियों को उठाकर मुझसे दिखाते हुए बोले, अभी दो बच्चे और होने हैं। फिर खिड़की की ओर मुंह किए शांत बैठे रहे। उस समय की अपनी मानसिक स्थिति में मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। औरत मरने को तैयार है और बाबा कह रहे हैं दो बच्चे और होने की बात। मैं मन ही मन विचार करने लगा, यदि दो बच्चे और होने हैं तो इस समय घरवाली ने मरना नहीं है, वह अवश्य बच जाएगी। इससे मुझे कुछ शांति मिली। मैं बाबा को नमन कर घर वापस आ गया। फिर सोचने लगा कि अब पत्नी बूढ़ी हो चली और यदि बच्चे हुए तो उस कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एकाएक फिर विचार आया कि बच्चे होना तो खुशी की बात है। बाबा अपनी बात कह गंभीर और मौन हो गए। क्यों हो गए, इसका उत्तर मैं नहीं सोच सका। मैंने समझा अवश्य कोई रहस्य है। धीरे धीरे पत्नी अच्छी हो गई। सितंबर 1973 में बाबा ने समाधि ले ली और उसी वर्ष जाड़ों में मेरे दो जुड़वा बच्चे हुए। दोनों दर्शनीय पर मरे हुए। बाबा के मौन हो जाने का रहस्य तब मेरी समझ में आया। जय हो बाबा की।